नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। किंग्सवे अस्पताल में मनाया जाएगा वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज पर की जाएगी जन जागरूकता। अब नागपुर में बिना लाइसेंस शराब खरीदी करने पर होगी कार्रवाई। डीसीपी राजमाने ने शुरू की नई मुहिम, अवैध शराब बेचने वालों की कमर तोड़ने का प्रयास। और नागपुर विद्यापीठ की सीनेट की स्थगित बैठक में प्रश्नोत्तर, प्रस्ताव पर होगी चर्चा। पिछली बैठक में छात्र और विद्यापीठ विकास के लिए कोई भी नहीं हुआ था निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और किंग्सवे हॉस्पिटल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाएगा, ऐसी जानकारी किंग्सवे अस्पताल में आयोजित पत्र परिषद में दी गई। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर डायबिटीज के बारे में जन जागृति की जाएगी। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। डॉक्टर फ्रेडरिक पेंट्रिक ने इंसुलिन की खोज की थी। इस साल इंसुलिन के खोज के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में किंग्सवे अस्पताल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। इस दौरान इंसुलिन पर जन जागृति की जाएगी, मरीजों को इंसुलिन के बारे में अवेयर किया जाएगा। साथ ही डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को इंसुलिन के अलग अलग प्रकार बताए जाएंगे। वहीं अन्य डॉक्टरों को डायबिटीज के कई प्रकार के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साइकिल रैली का भी वर्ल्ड डायबिटीज डे पर आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी किंग्सवे अस्पताल में आयोजित पत्र परिषद में दी गई। 14 नवंबर को जागृति मधुमेह दिवस है, जिसको हम वर्ल्ड डायबिटीज डे बोलते हैं। इस दिन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग, इनका बर्थडे है। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की है। 1921 में इंसुलिन की खोज डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट, जॉन मैकलियोड और जेबी कॉली, ये चार लोगों ने किया था। उसमें फ्रेडरिक बेंटिंग ने लीड काम किया था, इसलिए ये चारों को नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्हीं की याद में 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे करके ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन, इस साल इंसुलिन के 100 साल डिस्कवरी के पूरे होने की वजह से हम लोगों ने पूरा थीम इंसुलिन बेस्ड रखा है, और पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करना, फिजिशियंस को इंसुलिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना और पैरामेडिकल स्टाफ को भी इंसुलिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, ये हमारा मकसद है। CME में हम डायबिटीज़ के अलग अलग टॉपिक ले डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बेजल इंसुलिन थेरेपी, बोलस इंसुलिन थेरेपी, टाइम इन रेंज ग्लूकोज कंट्रोल, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली साइंटिफिक टॉपिक्स है, जिसमें हम डॉक्टर्स लोगों को इंसुलिन के बारे में अपडेट करेंगे। बहुत सारे फिजिशियंस यहाँ पे आने वाले हैं और बहुत सारे लोग लाइव देख पाएंगे हमारे को यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव के थ्रू। वो उन लोगों को इंसुलिन अपडेट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम ये है कि आवर प्लेज विल बी टू मेक द ट्रीटमेंट अवेलेबल एक्सेसिबल अवेलेबल टू एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। पिछले कुछ महीनों में जोन 3 में हो रही हत्या की वारदातों और खून खराबी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए DCP गजानन राजमाने ने विशेष अभियान शुरू किया है। ज्यादातर वारदातें शराब के नशे में हुई हैं, इसलिए राजमाने ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पुलिस बिना लाइसेंस के शराब खरीदने वालों पर कार्रवाई कर रही है। DCP गजानन राजमाने द्वारा पदभार संभालते ही जोन 3 के थानेदारों को भी पसीने छूट गए हैं। उन्होंने अपने जोन में सभी अवैध शराब अड्डे बंद करवाने के निर्देश थानेदारों को दिए हैं। अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी सावजी और भोजनालय के संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई ग्राहक शराब पीते मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने शराब पीने वालों पर भी लगाम कसने का निर्णय लिया है। बिना लाइसेंस के शराब खरीदने और पीने वालों के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी। इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। जिसे भी दुकान से शराब की बोतल खरीदनी है, उसे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग से लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस के शराब खरीद कर पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कुल 57 लोगों के खिलाफ CRPC की धारा 151 के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई की है। जोन 3 के एरिया में बड़ी संख्या में सावजी भोजनालय है। यहाँ ग्राहकों को भोजन के साथ शराब पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन राजमाने द्वारा पदभार संभालते ही भोजनालय के संचालकों ने शराब पीना मना है के फलक लगा दिए गए हैं।
अधिकांश भोजनालय के संचालकों ने शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी नागपुर विद्यापीठ के सीनेट की स्थगिति बैठक का आयोजन 12 नवंबर को दोपहर 1 बजे से किया गया है। पिछले दिनों 2 दिनों तक ऑफलाइन बैठक चली, लेकिन न ही प्रश्नोत्तर का काल हुआ और न ही प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सीनेट ने एक नई परंपरा बनाते हुए 2 दिनों तक केवल पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा की। उम्मीद है कि अब बैठक में प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्रों की समस्या, विद्यापीठ के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। पिछले महीने 27 व 28 अक्टूबर को विद्यापीठ की सीनेट बैठक हुई, लेकिन विद्यापीठ के विकास और छात्रों के प्रश्नों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। सदस्यों ने भी कार्यवृत्त पर अपने विचार व्यक्त किए और प्रशासन को घेरने का प्रयास किया। उपकुलपति का भी बैठक पर नियंत्रण नजर आया। सीनेट की सभा नियमानुसार चलाई जाती है, वही वर्षों से चली आ रही कुछ परंपराओं को भी निभाया जाता है, लेकिन पिछली बैठक में नियम और परंपरा दोनों का ही पालन नहीं किया गया। कोविड की वजह से पिछले 2 वर्ष से ऑनलाइन कामकाज चल रहा था, अब जैसे तैसे स्थिति में सुधार आया है। अभी पूरी क्षमता से कॉलेज शुरू नहीं हुए हैं। यही वजह है कि बैठक में विंटर में होने वाली परीक्षा की पद्धति पर चर्चा की जा सकती है। फिलहाल सभी की नज़रें इसी ओर लगी हुई है। MKCL का मामला भी सदस्यों द्वारा उठाया जा सकता है। MKCL की कार्यप्रणाली पर पिछले वर्षों से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जिन पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। 30 कर्मचारियों के निलंबन के बाद भी तुमसर ST डिपो में ST कर्मचारियों का ठिया आंदोलन जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने निलंबन की कार्रवाई का निषेध किया। महामंडल ने 30 कर्मचारियों को निलंबित किया है, फिर भी ST कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। भंडारा जिले के तुमसर ST डेपो के सामने कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। ST महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग करते हुए कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। माझी जॉइनिंग 2015 मध्ये, आमचा बेसिक त्यावेळेस 39-50 होता, आणि आता 6-7 वर्ष झाले तरी आमचा बेसिक आता जेमतेम 12,500 वर आला आहे, आणि आमचा पेमेंट 15,500 जातो बस 7 वर्षामध्ये। आणि इतक्या लहानशा पगारावर आमचं कुटुंब कसं चालत असेल हे या सरकारला समजल्या पाहिजे। आणि आम्ही या तुमसर आगारामध्ये 29 तारखेपासून त्या मध्यरात्रीपासून आम्ही बेमुदत संपावर बसलो आहोत। आमची फक्त एकच मागणी आहे की राज्य शासनात विलिनीकरण झाल्या पाहिजे, कारण की आमचे जे पेमेंट आहे ते इतके कमी आहे की आम्ही आमच्या ज्या गरजा आहेत त्या पण पूर्ण होऊ शकत नाही। आणि आमची फक्त एकच मागणी आहे की राज्य शासनात विलिनीकरण झाल्याच पाहिजे। जिस वजह से बसेस पूरी तरह बंद है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रखने की बात ST कर्मचारियों ने की। आम्ही 28 तारीख मध्यरात्रीपासून बेमुद्दत काम आंदोलन या संप पुकारलेला आहे, कारण आमच्या ST महामंडळामध्ये खूपच पेमेंट कमी असल्यामुळे व महाविकास आघाडी आमच्या डिपार्टमेंटकडे लक्ष न देत असल्यामुळे आमच्या महाराष्ट्रामधले आतापर्यंत 35 कर्मचारी बळी दिलेले आहेत, आत्महत्या केले आहेत व एवढं सुद्धा असून आज 8/11/2021 ब्रह्मपुरी आगारामध्ये श्री ठाकरे DC ट्रॅफिक कंट्रोलर यांना विष प्राशन करून आत्महत्या केली। तरीसुद्धा या महाविकास आघाडी सरकारने आमच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे व या पुरा महाराष्ट्र बंद असूनसुद्धा याकडे काही दखल न करता दखल घेत नसल्यामुळे अजून समोर आमच्या महाराष्ट्रामध्ये तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे। पिछले मौसम में बोंड इल्ली के प्रकोप से कपास उत्पादन में भारी गिरावट आई थी।
इस बार भी बोन इल्ली ने किसानों का टेंशन बढ़ा दिया है। अतिवृष्टि से पहले ही फसल खराब हुई, ऐसे में शेष फसल हाथ लगेगी, ऐसी उम्मीद किसानों को है। परंतु फिर भी एक बार बोन इल्ली का प्रकोप होने से फसल संकट में दिखाई दे रहा है। दो बार की तुड़ाई के बाद अब किसानों पर फसल उखाड़ फेंकने की नौबत आ गई है। कपास को भले ही अच्छा मूल्य मिल रहा है, परंतु इल्ली के प्रकोप से फिर एक बार किसान आर्थिक संकट में आ सकता है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष बोन इल्ली के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ था, फिर एक बार बोन इल्ली की एंट्री होने से किसानों में दहशत व्याप्त है। बोन इल्ली का प्रकोप रोकने के लिए कृषि विभाग ने प्रयास करना जरूरी है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। गत वर्ष जिले में कपास की बुआई अच्छी रही, लेकिन इल्ली के आक्रमण से उपज पर काफी असर हुआ। उम्मीद के अनुसार फसल न होने से किसान चिंता में डूब गया। वहीं गत वर्ष उम्मीद के अनुसार मूल्य न मिलने से लागत खर्च भी नहीं निकल पाया। इस सोयाबीन से किसानों को काफी उम्मीद थी, लेकिन अतिवृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में किसानों की नजरें कपास पर टिकी है। अतिवृष्टि का असर कपास की फसल पर भी देखा गया, परंतु पहली तुड़ाई ठीक ठाक रहने से दिवाली के समय कपास को अच्छा मूल्य मिला। अब दूसरी तुड़ाई चल रही है। ऐसी स्थिति में बोन इल्ली ने फिर एक बार आक्रमण करने से किसानों में मायूसी छा गई है। अधिक मजदूरी देकर किसान कपास घर ला रहे हैं। प्रतिवर्ष दिसंबर के अंत में कपास की फसल उखाड़कर फेंकी जाती है, लेकिन इस बार दो बार की तुड़ाई के बाद ही किसानों पर फसल उखाड़ने की नौबत आ गई है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली की छुट्टी खत्म होने के साथ ही गुरुवार से सिटी में स्कूल और कॉलेज खुल गए। पहला दिन होने से उपस्थिति कम रही, लेकिन धीरे धीरे हाजिरी बढ़ेगा। फिलहाल स्कूलों को सभी क्लासेस शुरू होने का इंतजार है। कोविड का प्रभाव कम होने के बाद भी सरकार द्वारा पहली से सातवीं तक स्कूल खोलने के बारे में निर्णय नहीं लिए जाने से ऑनलाइन के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है। कोविड की वजह से शिक्षा व्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर गई है। माना जा रहा था कि सरकार ग्रामीण भागों में पहली से और सिटी में पांचवी से स्कूल खोलने की अनुमति देगी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल सिटी में 8 से 12वीं और ग्रामीण में से पांचवी से 10वीं तक ही स्कूल खुले हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र भी पूरी क्षमता के साथ नहीं आ रहे हैं। कॉलेजों में भी यही स्थिति है। दोनों डोज लेने वालों को ही अनुमति होने से फिलहाल छात्रों की संख्या कम है। जो छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं और जिन कक्षाओं को अनुमति नहीं मिली है, उनके लिए भले ही ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हो रही है। पालकों का कहना है कि सरकार द्वारा अन्य विभागों के मामले में जिस तरह से तत्परता बरती जा रही है, उतनी शिक्षा विभाग में नहीं दिखाई जा रही। इससे छात्रों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। पिछले वर्ष भी परीक्षा नहीं हुई थी, अब इस बार क्या निर्णय लिया जाता है, इस बारे में सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। नागपुर में ठंड का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में शहर का तापमान 1.2 डिग्री की गिरावट के साथ 13.2 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। इस मौसम का ये सबसे ठंडा दिन भी रहा। 1 नवंबर को शहर में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा था। सामान्य से 3 डिग्री नीचे होने की वजह से शाम ढलते ही ठंड की अनुभूति होने लगती है। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में शुष्कता बढ़ने की वजह से ही ठंड का असर दिखने लगा है। 3 से 4 दिनों तक पारा सामान्य से 3 डिग्री नीचे बना रहेगा, उसके बाद रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वर्तमान में विदर्भ के सभी जिलों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे चल रहा है, इसी वजह से ठंड का असर दिखने लगा है। विदर्भ में गोंदिया 12.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। ठंड के मामले में नागपुर दूसरे नंबर पर रहा। वर्धा में 13.8, वाशिम में 14, अमरावती में 14.1, अकोला में 14.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए वीरभद्रकाली तारा रानी स्वयं सिद्ध योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में शासन निर्णय पारित किया है। राज्य ग्रामीण जीवन उन्नति अभियान उम्मीद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को आजीविका के अवसर प्राप्त होने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास योजना के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तर से गांववार जानकारी प्राप्त कर विधवा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाएगा। योजना के तहत कम से कम 5 महिला सदस्यों का एक स्वतंत्र स्वयं सहायता समूह स्थापित होगा। उन्हें राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस समूह के सदस्यों को परिक्रमा निधि और सामुदायिक निवेश निधि का भुगतान करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। PMJJBY और PMSBY योजना के ₹342 का भुगतान करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को भी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। उम्मीद के माध्यम से अविवाहित व विधवा महिलाओं को प्राथमिकता से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से इन महिलाओं के साथ साथ 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में उनके परिवार को भी प्राथमिकता दी जाएगी। RCT योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को कृषि प्रसंस्करण उद्योग प्रशिक्षण उत्पादक प्रशिक्षण और विभिन्न आवासीय और आवासीय प्रशिक्षण में 10 से 45 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार केंद्र सहायता योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से बीज पूंजी प्रदान की जाएगी। नागपुर के वाठोड़ा क्षेत्र अंतर्गत 84 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है। इस प्रकल्प को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में विशेष बैठक ली गई, जहां महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रस्तावित प्रकल्प में बाधित अतिक्रमणकारियों का पुनर्वसन पास की 7 एकड़ जमीन पर किए जाने की जानकारी दी। साथ ही इस प्रकल्प को गति देने का अनुरोध क्रीड़ा मंत्री से किया गया। बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि कॉम्प्लेक्स की जमीन पर सुरक्षा दीवार तैयार करने के लिए केंद्र सरकार से निधि तो प्राप्त हुआ, किंतु अतिक्रमण के कारण ये काम नहीं हो पाया। अतिक्रमण धारकों का पुनर्वसन करने के संदर्भ में महानगर पालिका की सभाओं में प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही पुनर्वसन को लेकर समाचार पत्रों में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें लाभार्थियों से दस्तावेज मांगे गए। अब तक कुल 647 लोगों ने दस्तावेज जमा किए हैं, जिसमें से कुछ पीड़ितों के पक्के निर्माण तथा कुछ खुले भूखंड हैं। सभी अतिक्रमण मनपा, NMDRDA और प्रन्यास द्वारा निकाले जाएंगे। कॉम्प्लेक्स की जगह पर सुरक्षा दीवार के साथ ही छात्रावास और अत्याधुनिक इंडोर सभागृह के लिए भी केंद्र से निधि आवंटित किए जाने की जानकारी सचिव द्वारा दी गई है। चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के लिए प्रकल्प का एकीकृत प्लान तैयार किया जाना चाहिए। प्लान तैयार करने के बाद केंद्र सरकार का निधि और CSR निधि से विकास किया जाना चाहिए। दीवार का निर्माण करने वाली कंपनी का नागपुर में कार्यालय नहीं है, यहाँ तक कि साई का कार्यालय भी औरंगाबाद में है। दोनों कार्यालय बाहर होने से कार्य को गति मिलने में देरी हो रही है। केंद्र की क्रीडा कंपनी के बदले केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग या राज्य के PWD विभाग या फिर प्रन्यास के माध्यम से काम पूरा करने की कार्यवाही करने का सुझाव भी गडकरी ने दिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आंदोलन किया। इस दौरान नवाब मलिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा वर्धा जिला द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के विरोध में भाजयुमो जिलाध्यक्ष वरुण पाठक के नेतृत्व में व भाजपा संगठन सरचिटनीस अविनाश देव की प्रमुख उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में आंदोलन कर निषेध किया गया। इस दौरान नवाब मलिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बंगार मलिक नवाब मलिक यांनी काल देवेंद्रजीने सिद्ध करून दिलं की यांनी एका आतंकवाद्याकडून जमीन खूप कमी किमतीत विकत घेतलेली आहे। अशा देशद्रोही देशविरोधी नेत्यांना उद्धव ठाकरे साहेबांनी देशाचे मुख्य राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी त्वरित त्यांना आपल्या सरकारमधून काढून टाकावं, त्यांना निलंबित करावं अशी आमची मागणी आहे। किंवा या एक आतंकवाद्यासोबत यांचं संबंध आहे असे सिद्ध झाल्यावर यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा अशी आम्ही मागणी करण्यासाठी आज भारतीय जनता युवा मोर्चा वर्धा जिल्ह्यातर्फे इथं आम्ही एकत्रित आलेलो आहे। आंदोलन में भाजयुमो सरचिटणीस गौरव गावंडे, विधानसभा प्रमुख घनश्याम अहेरी, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा जोशी, अविनाश बाभुलकर, विशाल उराडे, प्रसाद फटिंग, मोहन तळवेकर, गजू कोल्हे, आकाश नरसिंहकर, संकेत गावंडे, अमोल नांदुरकर, शुभम खंडारे, अतुल देशमुख, रोशन खिरकर, आदित्य खंडारे, वैभव शामकुंवर, रवि खंडारे, बादल झामरे, भुजंग कुबड़े, विवेक कुबड़े आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
आज सकाळी मुंबईमध्ये नवाब मलिकांनी जे बेताल आरोप महाराष्ट्राचे लोकप्रिय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर लावले त्याच्या विरोधात भारतीय जनता युवा मोर्चाचे वर्धा शहराचे कार्यकर्ते जिल्ह्याचे कार्यकर्ते आज एकत्र येऊन त्यांचा आम्ही सर्वजण निषेध करतो आहे. देवेंद्र फडणवीस जी जेव्हा या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी जे विकासाचे कामे या महाराष्ट्रात केली त्यांची जी स्वच्छ प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला डागाळण्याचं काम नवाब मलिकांनी आज सकाळी 10 वाजता मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन करण्याचा प्रयत्न केला. खरं म्हणजे गुन्हेगाराशी संबंध नवाब मलिकांचे आहे हे स्पष्ट झालं असताना दाऊदच्या हस्तकांची जमीन नवाब मलिकांनी कमी किमतीमध्ये विकत घेतली असताना जे बॉम्बस्फोटामध्ये आरोपी आहे त्यांच्या जमिनी बिलकुल कमी किमतीमध्ये मुंबईसारख्या ठिकाणी विकत घेतल्या असताना स्वतःच्या या आरोपाकडे दुर्लक्ष करून देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यावर गुन्हेगारीचा आरोप त्यांनी आज केला त्यांची स्वच्छ प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही सर्वजण नवाब मलिकांचा निषेध करण्यासाठी इथे एकत्र आलो आहे. तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.